प्रधानमंत्री जन धन जन सुरक्षा व मुद्रा योजना के राष्ट्रीय सेवा केंद्र में स्वागत है। वेलकम टू प्रधानमंत्री जन धन जन सुरक्षा एंड मुद्रा योजना नेशनल हेल्पलाइन। प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपका स्वागत है। मैं हेलो कर सकती हूँ? मैडम मैं दिनेश कदम बोल रहा हूँ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से सर जान सकती हूँ? पुणे। पुणे ओके। दिनेश जी बताने के लिए धन्यवाद। हाँ दिनेश जी, क्या मैं जान सकती हूँ किस बैंक में आपका अकाउंट है? HDFC में। HDFC में है, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, बैंक ऑफ सारस्वत में भी है। बताने के लिए धन्यवाद दिनेश जी। हाँ मैं जान सकती हूँ किस शादी प्राप्त कर सकते हैं? क्या हुआ सर? क्या मैं जान सकती हूँ किस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? जानकारी मतलब क्या हुआ है मैडम, हम यहाँ पे मराठा का सोशल वर्क करते हैं जी सर। हाँ, तो ऐसा प्रॉब्लम है मैडम, हम जो यहाँ पे अभी ग्रुप और ये चलाते हैं ना, तो कम से कम हमारे पास डाटा है कि बाबा 600 से 700 लोगों के पास अभी तक, कि हमारे पूरे डाटा के साथ बोल रहा हूँ मैडम, यहाँ पे आपके बैंक वाले ना लोन अप्रूव नहीं करते, कम से कम 6-6, 7-7 महीने तक उनको ना चक्कर मारने लगाते हैं और बाद में अप्रूवल भी नहीं करते। अगर डॉक्यूमेंट सही है तो प्रॉब्लम क्या है उनका, और अगर उनके पास जाएंगे ना तो 2-3 बार तो छोड़ो, ये कम से कम 2-3 महीने उसको पीछे लगाते। जी सर, क्या मैं जान सकते किस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं? मुद्रा लोन के लिए, उनको बिजनेस के लिए मैडम, जो आपने अभी बताया था शिशु और ये जो है 3 लोन, उसमें सब में ट्राई किया मैडम हमने, और हमारे पास डाटा के साथ बात कर रहा हूँ। जी सर। सर क्या मैं जान सकते बैंक वाले क्या बोल रहे हैं सर? बैंक वाले बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता, अभी तो एक बैंक वाले शिकरापुर करके बैंक है, उन्होंने तो ये बात बोल दी कि स्टाफ नहीं है, अभी स्टाफ का क्या है इसमें संबंध है? जी सर माफी चाहूंगी सर, अगर बैंक वाले आपको विदाउट रीजन मना करते हैं हाँ। बैंक के नोटिस बोर्ड पर लिखे सर्कल हेड ऑफिस के नंबर पर कंप्लेन करें। अरे मैडम वो सब करके देख लिया, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है आपकी टीम, बस मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ पे अगर एक्शन नहीं ले रही बैंक वालों को तो हम क्या कर सकते हैं? जी सर माफी चाहूंगी सर, इसलिए सर आप कंप्लेन ही कर सकते हैं या फिर सर मेल डाल सकते हैं। अरे मेल डाला कंप्लेन किया सबका, हम आपको डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं ना दे देंगे, कोई तो उसका रिप्लाई देना चाहिए ना। जी सर जी सर। अभी क्या करेंगे अगर मैं बोल रहा हूँ एक दो का रहेगा तो ठीक है, मैं आपको पास 400-500 लोग भेज सकता हूँ जिनका रिजेक्ट करे ऑल ओवर महाराष्ट्र से, हम ग्रुप चलाते यहाँ पे। जी सर। और विदाउट डॉक्यूमेंट कोई तो आपका सीनियर रहेगा ना जो इसमें बात कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर जिसके साथ हमारी बात हो सकती। जी सर माफी चाहूंगी सर, हमारे यहाँ केवल स्कीम से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। ओके जी सर, हमारे यहाँ केवल स्कीम पैसे किस तरीके से मिल सकता है हाँ। और कहाँ मिल सकता है, केवल बस हम स्कीम से रिलेटेड जानकारी दीजिए, अनदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है। तो ये कंप्लेंट किसके पास करनी पड़ेगी सर? ये कंप्लेन आप बैंक के नोटिस बोर्ड पर लिखे सर्कल हेड ऑफिस के नंबर से। मेरे को ये बता दो कि इसमें कौन से बैंक अलाउड है सर? आपको बताना चाहेंगे सभी बैंक में मुद्रा लोन अवेलेबल है सर। सभी बैंक मतलब कौन सा वाला? ये SBI, HDFC सब आता है इसमें। जी सर। और उन्होंने अगर नहीं लिया तो हम क्या एक्शन कर सकते हैं उनपे? सब बैंक के नोटिस बोर्ड पर लिखे सर्कल नहीं, वो उनका तो छोड़ो, वो तो रिप्लाई भी नहीं करते हमें, तो क्या कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन सर? इसके अलावा सर आप मेल कर सकते हैं। किसको सर? नंबर नोट कर सकते हैं मेल आईडी सर? हाँ बताइए। हेलो www. हाँ PFRDA हाँ .org.in सर। और अगर इस पे हमने कंप्लेंट की तो कब तक आएगा रिप्लाई इनका? सर 3 से 4 दिन में आपके पास सर रिप्लाई आ जाएगा। और मैडम इनका रीजन क्या रहता है, मतलब कैंसिल करने के लिए क्या मतलब, क्या अगर मान लो अगर नया कोई तो है बंदा जो भी कोई लोन के लिए अप्रूवल करना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहता है आपके पास? सॉरी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या रहता है अगर मुद्रा लोन? हाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ओके प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। हाँ प्रूफ ऑफ बिजनेस। हाँ कोटेशन। SC ST और माइनोरिटी से बिलोंग करते थे जांच प्रमाण पत्र। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेट। और आपकी 2 फोटो जो पिछले 6 मंथ से पुराना ना हो। ओके और अगर ये सब डॉक्यूमेंट अगर रहेंगे तो आप लोन का देना उनको अनिवार्य है बैंक वालों को? जी सर। और
उन्होंने नहीं लिया तो वो आप कौन एक्शन लेता है उस पर? सर सर्कल हेड ऑफिस के नंबर से आप। और अगर उसका मान लो कोई नया बिजनेस डालना चाहता है तो अप्रूवल नहीं देते वो लोग? जी सर बिल्कुल देते हैं। और उनको कितने दिनों में देना पड़ता है ये सब अगर डॉक्यूमेंट सही हो तो? जी सर अगर डॉक्यूमेंट हमारे सब सही हो तो वो कितने दिन में लोन देना उनको, मतलब ये है नियम? सर अगर सारी डॉक्यूमेंट सही है तो अब बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक आपके लोन को कितना जल्दी पास करता है। कितना जल्दी, मतलब 3 महीने, 4 महीने, 1 महीना, कितना? सर माफी चाहूंगा सर, इसमें हम कोई कमिटमेंट नहीं करते। अरे वो लोग बोलते हैं हमें टारगेट रहता है 2 या 3 करोड़ बस। जी सर वो बैंक का प्रोसेस होता है, हम सर कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो जनधन योजना किसने बनाई मैडम? अगर मान लो अगर 2 का हुआ है तो नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं ना वो लोग? जी सर बिल्कुल सर। तो वो कौन करेगा, मतलब आप अगर मान लो आपको हिस्ट्री दे रहे हो, आपके पास 100 लोग फोन कर रहे हैं और आपको किसी ने फोन किया तो उसको आप पूरा इन्फॉर्मेशन दे दोगे और वो बंदा जब बैंक में जाएगा तब ये नाराजगी हो जाएगी उसकी, और बैंक वाले को तो उसको पहचान वाले के काम करते हैं, तो ये गरीबों का खेल हुआ ना मैडम? सर ये बैंक से प्रोसेस का होगा। बैंक का प्रोसेस मैडम, मतलब ये बात हुई ना कि आपने अप्रूवल कर दिया, आपने इधर से हमें इन्फॉर्मेशन दे दी तो मान लो हमने एक ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी तो उसके बाद हमारे लोग वहाँ चले गए और उनको टारगेट है 2 ही कस्टमर का, तो अब एक तालुका में अगर 2 कस्टमर करेंगे तो लाखों बंदे वहाँ पे बेरोजगार है। जी सर। कोई तो आपका ये इशू मैन ये होना चाहिए ना, डिस्प्ले होना चाहिए ना कि बाबा यहाँ पे इतने ही बैंक में इतना ही लोग कर सकते हैं, बाकी के नहीं कर सकते। सर इसकी डिटेल्स सर बैंक के पास होती है, हमारे पास केवल जो स्कीम होता है हम केवल स्कीम से रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। मैडम स्कीम की तो पूरी जानकारी पास आपके पास भी नहीं है ना? सर बस क्या बता सकते किस स्कीम के बारे में सर जानकारी? मुद्रा के ही लोन कर रहे हैं। सर मुद्रा लोन में जो जो प्रोसेस होता है सर हम प्रोसेस बता सकते हैं सर? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अभी वही बोल रहा हूँ। तो वो सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट बोला, अगर डॉक्यूमेंट अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन देके क्या फायदा उसका, ये बोल रहा हूँ मैडम। सर ये जो डॉक्यूमेंट होता है सर वो तो लेके जा सकते हैं। अरे मैडम मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने मेल किए कम से कम 400 लोगों के पास डॉक्यूमेंट है मेरे पास, और उसके बाद ये मेल का भी रिप्लाई कोई नहीं देता, तो हम क्या कर सकते उस पर? एक्शन तो कोई मेल का रिप्लाई भी नहीं देता, क्या आपको वो चाहिए तो मैं मेल पे सब भेज दूंगा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। माफी चाहूंगी सर इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मतलब ये आपकी मैडम ये जो इतना इंडिया का कस्टमर केयर है वो किस काम का है? सर हमारे पास केवल अरे इन्फॉर्मेशन मैडम, मैंने आपको बता दिया मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा और आप मेरे पास आओगी तो मैं बोलूंगा नहीं दे दूंगा, ये कौन सी बात सही है? आप लोगों को बता दो ना, यहाँ पे ही फोन पे बता दो, वहाँ पे जाएंगे तो बैंक वाले नहीं बोलेंगे तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात हुई ना मैडम आपकी? जी सर मतलब ये बहुत बेकार है ना हालत आपकी, ये अगर आप फोन पे ही बताएंगे ना। नहीं नहीं मैडम ये कोई तो इंस्ट्रक्शन होना चाहिए ना बैंक वालों को भी, आपने इन्फॉर्मेशन दे दिया मैडम बैंक वाले वहाँ पे नहीं कर रहे तो सर ये बैंक पे डिपेंड। अरे वो वही तो आप उनको रिपोर्ट नहीं कर सकते क्या? आप तो गवर्नमेंट के तरफ से ही काम कर रहे हो ना? जी सर। तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते क्या? किस लिए लोगों को फंसा रहे हो? मतलब मैडम क्या है, आप इधर से पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से दे रहे हो पता है, लेकिन अगर ये मेरे जैसा बंदा वहाँ पे चला जाएगा ना तो बैंक वाले 5 मिनट खड़ा नहीं करने देते, ये किस बात का है मुद्रा लोन? तो आप नहीं अरे लेकिन वो बैंक वाले का कोई तो कंप्लेंट केयर नंबर चाहिए कि नहीं? वो तो फोन उठाते ही भी नहीं, और वो मैनेजर कुछ देखता ही नहीं, 2 या 3 का टारगेट, फिर के टारगेट ही क्या है? तालुका में कोई तो 2-3 लोन करेगा तो कैसे चलेगा फिर? जी सर जी सर। इसका कोई तो मैडम कोई तो हल निकलना चाहिए ना, बस हम यहाँ पे अगर चाहिए ना, मैं बोल रहा हूँ आपको विदाउट डॉक्यूमेंट में नहीं बोल रहा हूँ, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सब बंदे भी है मेरे पास, अगर चाहिए तो मैं आपके पास अभी खड़ा कर सकता हूँ, चाहिए तो बैंक फोड़ दूँ क्या? वो तो उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? अगर उसके खिलाफ सर आप केवल कंप्लेन कर सकते। अरे कंप्लेन का कोई तो जवाब आएगा तब कंप्लेन करेंगे ना, जवाब ही नहीं आ रहा तो सर आप बैंक के नोटिस बोर्ड पर। अरे वही बोल रहा हूँ मैडम, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैं सर्व करके मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दे दूंगा ना। यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन मत लो, ऐसा बोल के आप क्या रख देते बैंक वाले? और मैनेजर जो है वो लोग उन बंदियों को ना कला परसवा परसवा ऐसे ये डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट ऐसा बोल रहा है। और इसमें मॉर्गेज की क्या जरूरत रहती है मुद्रा में? कोई तो मॉर्गेज रहता है, मार्जिन देना होता है सर मॉर्गेज।
जी सर, हाँ, तो मॉर्गेज के लिए मैडम आप क्या कर सकते। तो उन्होंने मेरे पास, तो ये बैंक वाले, दो तीन बैंक वाले ऐसे हैं, उन्होंने मुद्रा बोला, मुद्रा नहीं हो सकता, मुद्रा वाले मॉर्गेज करना पड़ता है, तो मॉर्गेज लोन करने के लिए रेडी हो गए। और वो भी प्रतिशत, मतलब पैसा लेके, उनको 3% चाहिए। इसमें बैंक वालों को परसेंटेज रहता है, नहीं सर ऐसा कोई भी मांग तो नहीं है ऐसा हमारे। बैंक वालों के क्या करे। मैं बैंक वाले भी बता सकता हूँ, जो 3% या 4% मांग रहे हैं लोगों से, जी सर, तो क्या कर सकते इस पे। अगर ऐसे आपकी आप जन धन योजना की इतना बड़ा कस्टमर केयर है ना मैडम, तो कोई तो उपाय तो रहेगा, या सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए नंबर रखा है, कंप्लेंट केयर लग के वो नंबर दिखाई देता है आपका। सर बताना चाहेंगे, कंप्लेन के लिए केवल बैंक के नोटिस बोर्ड पर कंप्लेन नंबर होता है, हमारे पास केवल स्कीम से रिलेटेड जानकारी दी जाती है और सर। स्कीम में कोई प्रॉब्लम हो तो कोई नहीं देखेगा क्या। सर स्कीम में जो स्कीम चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उससे हाँ, रिलेटेड कोई अरे क्वेश्चन वो नहीं। प्रधानमंत्री तो वहां से मैडम, उसने तो पूरा काम कर दिया उसका, लेकिन पीछे नीचे हो रहा है कि नहीं ये तो देखना चाहिए कि नहीं। आप अगर उनकी तरफ से ये भी काम करें तो रिपोर्ट दे सकते हैं कि नहीं, कुछ तो करना कर सकते कि नहीं आप। ये ऐसा कॉल आया तो ये तो आपको सीनियर को बता सकते हैं कि नहीं। जी सर मैं बता सर, आपको 500 लोगों का डॉक्यूमेंट्री दूंगा और उसके बाद ही बोलूंगा, एक विदाउट डॉक्यूमेंट हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हमने यहाँ पे अगर आपका ये भी कर दिया ना, तो कम से कम 2-3 हजार लोग बोलेंगे मुझे मुद्रा लोन चाहिए, मेरे को बैंक वालों ने ये फंसाया, मैं फंसाया, 2% मांग रहे, 3% मांग रहे, मतलब जी सर, क्या, मतलब ये लोग किस क्यों बताए हम। बैंक वालों का अगर हमने बताया आपका मैनेजर पैसा मांग रहा है, तो वो भी नहीं सुनता, जी सर, जी सर, तो ये कहाँ पे करना पड़ेगा। या सिर्फ आप अभी तो आपके पास भी फोन आएंगे ना बाद में, तो आप ऐसे ही बोलोगे सबको ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, वो कंप्लेन नंबर पे फोन करो, वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। अगर हो सके तो ये बता देना किसी को चाहिए। मैं तो 100 मेल करके थक गया, मेल का रिप्लाई भी नहीं करते आपके अधिकारी, जी सर तो ये माफी चाहूंगी माफी आपके मांगने से क्या होगा मैडम। यहाँ पे लोगों का तो भला नहीं होगा ना मैडम, आपने तो स्कीम नहीं डाली ना, ये मोदी ने डाली है स्कीम, जी सर, तो आप क्या माफी मांगने से कुछ फायदा भी नहीं ना मैडम। तो जी देखिए सर, अगर कोई तो सीनियर रहेगा तो उसके पास मेरा नंबर बताइएगा, नहीं तो ये फोन बताइएगा, क्योंकि मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिएगा, मेरे को कॉल करने को बोलो, कुछ तो करना, एक्शन ले लो, मैं पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा। अगर नहीं हुआ ना तो हम बैंक फोड़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्या जो होना है होने दो, जी अगर सर, कुछ रहेगा तो करेंगे ना हम। जी सर, जी सर, हो सके तो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देना, आपके पास है क्या, नहीं वो तो सिस्टम कंप्लेंट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ऐसा कस्टमर ने बोला, या वो भी नहीं है नहीं सर माफी चाहूंगा, हमारे पास ये भी स्कीम नहीं होता है सर। तो आपके लिए किस काम के लिए उधर बैठा है। अब आप अगर अगर सर कोई तो लड़का रहता तो मैडम मैं कुछ तो बोल सकता, आप तो लेडीज हो तो मैं वहां पे भी कुछ नहीं बोल सकता आपको। सर हमारे पास केवल प्रोडक्ट जो आता है, स्कीम जो होता है, मैडम उसी ये से तो मार्केटिंग रिलेटेड हुई ना, है। जी सर, विदाउट बेसिक मार्केटिंग हुई मैडम। आपको वहां पे पता नहीं है क्या चल रहा है और वहां यहां से लोग भेज रहे हो, जी सर, आप कबूल भी करते हो, कुछ हो भी नहीं सकता, तो ये कस्टमर नंबर किस काम।